आए दिन कंप्लेन आ रहा है कि 112 वाले 112 क्या ड्यूटी है? एक मिनट, आप लोग का क्या ड्यूटी है? आप लोग का क्या ड्यूटी है? आपका क्या ड्यूटी? बहुत कंप्लेन है, बहुत कंप्लेन आप लोगों का। इमरजेंसी में जी सर, पैसा लेना आपका काम है? नहीं नहीं सर, आरटीओ वाला काम आप कीजिएगा। नहीं सर, क्यों पैसा लिए? उसका नहीं लिए सर, बयान है मेरे पास, वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, ऐसा नहीं थे, मेरे पास वीडियो है, जिसमें वो बोल रहा है कि 200 रुपए दिए हैं आपके सुरक्षा के लिए सर, हम लोग चलते हैं। मेरे पास वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि 200 रुपए हम लोग को खर्चा पानी दो, हम लोग के पास जो भी रहता है 150 रहता है, देते हैं तो नहीं लेता है, लोग बोलता है लोग कि नहीं 200 दो 400 दो 500 दो, उससे ज्यादा वो पुलिस वाले मांगते हैं लोग। पुलिस वाले मांगते हैं जी सर। कौन पुलिस आपसे लिया अभी पैसा? अभी तो 112 वाले थे, रिजल्ट डलवा कर उससे नगद पैसा लिए हैं तब इनको दिए हैं। अब बताइए, मैंने लालू जी का दौर था, उस समय लोग कहते थे गुंडा बदमाश जो है ले भी मांगता है, रंगदारी उसीलता है। आजकल का जो दौर है ना, इसमें पुलिस ऑफिसर जो सरकारी डॉक्टर माने सरकारी जो अधिकारी लोग है, ये लोग पैसा उसीलता है, रंगदारी। रंगदारी आज भी चल रहा है, रंगदारी कल भी चल रहा था, ये दौर है आज। निकालो अब से की माइक निकालो, सवाल हमारा, हम माइक लोगों के साथ अब दीपक गाड़ी में समझ तो रिपोर्ट होकर दफ्तर भागल 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 सर सर ओए रुके 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 वाला से 200 रुपया बयान है हमारे पास, बोला कि 112 वाले हैं। माइक लगाइए, माइक लगाइए, नंबर इसका कीजिए, 112 है अभी। नहीं नहीं, आप लोग 112 आप लोगों के सुरक्षा के लिए हैं, आप लोग लोगों के सुरक्षा के लिए हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आए दिन कंप्लेन आते रहता है, आए दिन कंप्लेन आ रहा है कि 112 वाले 112 क्या ड्यूटी है? एक मिनट, आप लोग का क्या ड्यूटी है? आप लोग का क्या ड्यूटी है? आपका क्या ड्यूटी? बहुत कंप्लेन है, बहुत कंप्लेन आप लोगों का। इमरजेंसी में जी सर, पैसा लेना आपका काम है? नहीं नहीं सर, हम पैसा आरटीओ वाला काम आप कीजिएगा। नहीं सर, क्यों पैसा लिए? उसका नहीं लिए सर, बयान है मेरे पास, वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, ऐसा नहीं थे, मेरे पास वीडियो है, इसमें वो बोल रहा है कि 200 रुपए दिए हैं आपके सुरक्षा के लिए सर, हम लोग चलते। मेरे पास वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि 200 रुपए आप दिए हैं। यूनुस बांस वाले के रोको, बांस वाले के रोको, 200 रुपए नहीं नहीं सर, फिर झूठ मत बोलिए आप। देखिए 112 की जो सेवा लाई गई थी बिहार में और सहित पूरे भारत में, बात नहीं है, ये इसलिए लाया गया था ताकि सेवा करना रोको 200 रुपए नहीं 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 सर, फिर झूठ मत बोलिए आप। देखिए 112 की जो सेवा लाई गई थी बिहार में और सहित पूरे भारत में, बात नहीं है, ये इसलिए लाया गया था ताकि बिहार में जो इमरजेंसी पे ये लोग पहुंचे, हालांकि पहुंचते हैं, हालांकि पहुंचते हैं, ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने के साथ साथ ये लोग जो है पैसा लेने का काम कर रहे हैं। आजकल का ये दौर है कि भाग रहे हैं, दिखाइए भाग रहे हैं, छोटा भाग रहे हैं, दिखाइए भाग रहे हैं, छोटा। एक तरफ 112 की पुलिस जो है तुरंत सेवा देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तरफ बिहार के मुखिया ये अपना पीठ थपथपाते हैं कि 112 जब हम पुलिस लाएं तो 112 जो है बहुत बेहतरीन काम करता है, ये बात रियली सत्य है कि वो लोग जो है क्विक एक्शन लेते हैं, तुरंत पहुंचते हैं, जहां घटना स्थल हो इमरजेंसी पे वो लोग तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन आजकल का जो 112 के कुछ लोग हैं, ये सब थोड़ा सा अलग है, कुछ लोग हैं जो इसको अपना कमाने का जरिया बना लिए हैं, कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर बाइक से लाइसेंस चेक करने लग रहे हैं, हेलमेट चेक करने लग रहे हैं, जूता चेक करने लग रहे हैं, ड्राइवरी लाइसेंस चेक करने लग रहे हैं, और तो और जो गाड़ियां जो है इस तरह से मजदूर अपना जो सामान लेके आते हैं उन लोगों से जो है अवैध वसूली करना शुरू कर दिया है। अभी बगल में आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है इसमें बांस लादा हुआ है और ये भाई साहब लोग जो है अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इनको पुलिस जो है 112 की पुलिस नहीं,
112 की पुलिस इनके साथ क्या की, आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र नाम है मेरा सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? मसरक से आ रहे हैं। मांस लेके? जी सर। कहाँ ले जाएंगे? सिवान ले जाएंगे सर। क्या हुआ रास्ते में? वो लोग घेर कर बोलते हैं हम लोग को खर्चा पानी दो, हम लोग के पास जो भी रहता है 150 रहता है देते हैं तो नहीं लेता है, लोग बोलता है लोग कि नहीं 200 दो, 400 दो, 500 दो, उससे ज़्यादा है। वो पुलिस वाले मांगते हैं लोग। हाँ, पुलिस वाले मांगते हैं। जी सर। कौन पुलिस आपसे लिया अभी पैसा? अभी तो 112 वाले थे। कितना रुपये लिए? 200 रुपये लिए। पैसे लिए? बोल रहे थे कि हम लोग खर्चा पानी दो। हम लोग डर के मारे दे देते हैं कि भाई हम लोग को रुकेंगे तो लेट हो जाएगा, फिर आगे भीड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग देकर अपना गाड़ी बढ़ाते रहते हैं। जी। और मारने के भी धमकी देते हैं? बोलते हैं लोग, बोलते हैं, ज़्यादा धमकी देते हैं लोग, कहते हैं लोग कि जल्दी निकालो पैसा, ऐसे कहते हैं लोग। ज़्यादा जहाँ पब्लिक रहता है वहाँ नहीं रुकता है? ज़्यादा पब्लिक रहता है वहाँ नहीं रुकता है? नहीं नहीं नहीं, मांगता है भीड़ में। ज़्यादा पब्लिक रहेगा ना वहाँ नहीं, जहाँ रास्ता फाँका मिलेगा वहीं पर रुकेगा, वहीं रुकेगा, वहीं रुकेगा। जहाँ जब फॉर्म पर हम लोग बोले कि हम लोग, आप लोग बराबर पैसा देते हैं? नहीं सर, देखिए उन लोगों का तो वही खेती है, वही ज्यादा। हम लोग बोले चलो फॉर्म पर हम लोग ठेकेदार से पैसा मंगाते हैं, उसके बाद बोलता है अभी तो हम बाबूजी नहीं है पैसा, तो बोलता है क्यों नहीं है? आप लोगों के पास पैसा नहीं था? हो नहीं, फिर कैसे दिए? जी फॉर्म पर डलवाए हैं, ठेकेदार से पैसा डलवाए, डीजल डलवाए हैं, डीजल डलवा कर उससे नगद पैसा लिए हैं तब इनको दिए हैं। अब बताइए, एक दौर था मैंने लालू जी का दौर था, उस समय लोग कहते थे गुंडा बदमाश जो है ले भी मांगता है, रंगदारी उसीलता है। आजकल का जो दौर है ना, इसमें पुलिस अफसर जो सरकारी डॉक्टर माने सरकारी जो मुलाबी लो है, सरकारी जो अधिकारी लो है, ये लोग पैसा उसीलता है, रंगदारी। रंगदारी आज भी चल रहा है, रंगदारी कल भी चल रहा था। ये दौर है आज जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो रंगदारी करके पैसा ले रहे हैं। क्या 112 का काम है डीएल चेक करना? क्या 112 का काम है ये चेक करना कि लोड है कि ओवरलोड है कि क्या है? 112 का ये काम नहीं है, ये जो है परिवहन विभाग चेक करेगा। लेकिन ये लोग जो है इसको अपना धंधा बना लिया है। वीडियो आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है ये दरोगा जी